वो एक चीता है सर, उसका एक पंजा ही काफी है। 2022 इस साल हमें काफी मूवीज देखने मिली है, पर आपको पता है बॉक्स ऑफिस पर जादू चला है तो सिर्फ साउथ इंडियन मूवीज का। इसके दो कारण हैं, पहला स्टोरी और दूसरा स्टोरी को ऑडियंस के सामने रखने का तरीका। तो कुछ ऐसी ही बेहतरीन कंटेंट और ट्विस्ट से भरी हुई मूवीज मैं आपके लिए आज लाया हूँ। नंबर 10 पर है गोडसे। मूवी की शुरुआत में ही कुछ बड़े बड़े लोग किडनैप हो जाते हैं, पर क्यों? इसी सवाल का जवाब देने के लिए मूवी आपको पकड़ के रखती है। मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा बढ़िया है और मूवी में इमोशन और एक्शन का भी भर भर के तड़का देखने मिलता है। और सत्यदेव, जिन्हें आपने रिसेंटली राम सेतु या गॉडफादर मूवी में देखा होगा, उनकी परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी है। बस इतना ही कहूंगा कि ये एक वर्थ वॉच मूवी है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं लिस्ट की नेक्स्ट मूवी, जो है कड़ुआ। स्टोरी है कड़ुआ की, जो जेल में है और जब वो जेल से बाहर निकलेगा उसे चाहिए बदला। स्टोरी काफी सिंपल है, बट अगर कुछ सीन को छोड़ दूं तो मूवी का हर एक सीन, बैकग्राउंड म्यूजिक काफी पसंद आने वाला है। पसंद से याद आया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं लिस्ट की नेक्स्ट मूवी, जो है डॉन। डॉन बोला तो 11 मुल्कों की पुलिस वाला मत समझना। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसमें आपको देखने मिलेंगे शिव कार्तिकेयन। स्टोरी में दिखाया गया चक्रवर्ती को जो किसी भी हालत में अपने कॉलेज पहुंचना चाहते हैं जहां उन्होंने विद्या ग्रहण की। माफ करना, थोड़ा कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गया। और यहीं वो अपने कॉलेज जाने के सफर में अपनी लाइफ की स्टोरी को नैरेट करते हैं। तूने दिखा दिया कि लास्ट बेंच का स्टूडेंट क्या कर सकता है, लेकिन लास्ट बेंच का स्टूडेंट जब प्रिंसिपल बनता है ना, तो देख वो क्या करता है। मूवी काफी मस्ती से भरी हुई है, तो आपको स्टार्ट से एंड तक जरा भी बोर नहीं होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं लिस्ट की नेक्स्ट मूवी, जो है रोरशैक। मूवी 11 नवंबर को ही अमेज़न पर रिलीज की गई है और इसकी स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू होती है, जहां आपको देखने मिलता है कि लूक एंथनी अपनी मिसिंग वाइफ की कंप्लेंट लिखाने जाते हैं, पर बहुत ढूंढने के बाद भी उसकी वाइफ नहीं मिलती है। तो उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ है और लूक एंथनी को क्या क्या करना पड़ता है, ये मूवी में देखने मिलता है। एक बात बता देता हूं, वो आदमी यहां घूम नहीं आया। बताओ आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक और सीन काफी इंटरेस्टिंग है, पर कहीं कहीं मूवी थोड़ी सी स्लो फील होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं लिस्ट की नेक्स्ट मूवी, जो है कार्तिकेय 2। ये एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में मुझे कुछ बोलने की शायद जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कम बजट होने के बाद भी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कमाल किया है। लगता है तुम्हारे शास्त्रों के अनुसार मुसीबत आएगी। मेरी उम्मीद ही मेरी ताकत है। मूवी का पहला पार्ट 2014 में आया था, जहां हमें देखने मिलते हैं डॉक्टर कार्तिकेय, जिन्हें काफी कुछ जानने की क्यूरियोसिटी होती है। तो अब यही क्यूरियोसिटी, या कहें तो उनकी डेस्टिनी, उन्हें ले चलती है एक ऐसी जर्नी पर जहां उन्हें काफी सारी मुश्किलों के बाद अपने कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं लिस्ट की नेक्स्ट मूवी, जो है गार्गी। गार्गी एक स्कूल टीचर है और अपनी मिडिल क्लास लाइफ को बैलेंस कर रही है, पर एक दिन उसके पिता पर 9 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगता है, और ये इस मूवी का हुकिंग पॉइंट है। अब सच क्या है और झूठ क्या है, वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी काफी हद तक कोर्टरूम ड्रामा से भरी हुई है और यहाँ साई पल्लवी की एक्टिंग भी काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं लिस्ट की नेक्स्ट मूवी, जो है विक्रम। अब इस मूवी के बारे में तो सबको पता है, तो स्टोरी और ये सब की बात नहीं करूंगा, और काफी लोगों ने मूवी देखी भी होगी, और अगर नहीं देखी है तो Zee5 और हॉटस्टार पर अवेलेबल है, देख लें। वो माल मेरे हाथ आ गया तो तेरी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपनी गवर्नमेंट बना लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लिस्ट की नेक्स्ट मूवी, जो है सीतारामम। क्या मूवी है, मजा आ गया। 2022 की सबसे बेस्ट रोमांटिक ड्रामा और लव स्टोरी मूवी यही है, प्योर लव। देखो यार, मैं कोई रोमांटिक मूवी का इतना बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, बट मुझे मूवी काफी अच्छी लगी। तो जो पर्सन लव स्टोरी मूवी देखना पसंद करता है, उसके लिए तो ये एक जैम है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं लिस्ट की नेक्स्ट मूवी, जो है 777 चार्ली। मूवी की स्टोरी शॉर्ट में बताओ तो मूवी में दिखाया गया है कि कैसे धर्मा एक डॉग के साथ इतना अटैच्ड हो जाता है कि वो उसके साथ एक जर्नी पर निकल पड़ता है। अब ये जर्नी वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, यही देखने का मजा इस मूवी में है। खाना क्या खिलाते हो? इडली। कुत्ते को सिर्फ इडली खिलाते हो? साथ में चटनी भी। 2 घंटे 45 मिनट की ये मूवी आपको एक भी सीन में जरा भी बोर नहीं होने देगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लिस्ट की नेक्स्ट मूवी, जो है कांतारा। और इस मूवी ने तो धूम मचा के रखी है। आई नो, इस मूवी के बारे में तो सभी लोग बात कर ही रहे हैं, तो मैं क्या नया बता दूंगा। बस इतना ही कहूंगा कि कम बजट होने के बावजूद इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा दी है। वैसे ये मूवी थिएटर में जाके एंजॉय करने जैसी मूवी है, और मैंने इसे थिएटर में देखा भी है, बट ये मूवी 24 नवंबर को OTT पे भी आ गई है। डिपार्टमेंट का तकलीफ हो, अगर कोई ऐसा कदम उठाया तो सीधे 3rd डिग्री मिलेगी। पढ़े बिना ही डिग्री।
तो इस मूवी को फिर से एक बार अकेले बैठकर जरूर देखूंगा। आप भी देखो, इस मूवी को 4-5 बार देखना तो बनता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।